The Gods Palace Resort, Ganga Facing, Restaurant, Party House, Destination Wedding, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कांवड़ मार्ग, सरधना, मेरठ। मेरठ में बड़े पैमाने पर बन रही कच्ची कॉलोनियों के चलते मेरठ विकास प्राधिकरण के अभियंताओं की कार्यप्रणाली में बेहद संदिग्ध हो चली है। गंगानगर दिसाड़ी गेटवे कंकड़खेड़ा परिषदगढ़ मार्ग पर धड़ल्ले से बिना मानचित्र स्वीकृत कराए कच्ची कॉलोनियां काटी जा रही हैं, लेकिन अनेक अभियंता कागजी वे अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। गंगानगर मवाना रोड पर तो जैसे अनाधिकृत निर्माण की बाढ़ सी आ गई है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अनाधिकृत निर्माण के प्रति भले ही बेहद सख्त हों, लेकिन सरकार के ही नुमाइंदे इन सख्त इरादों पर पानी फेरते हुए करोड़ों में खेल रहे हैं। प्राधिकरण अफसर भी सत्ता पक्ष से जुड़े मामले होने के कारण आंख बंद किए हुए हैं। ऐसे ही कुछ अनाधिकृत निर्माण को लेकर मंडलायुक्त सुरेंद्र सिंह ने MDA से रिपोर्ट तलब की तो बुलडोजर हरकत में आ गया। आज 11 बुलडोजर लगाकर मवाना रोड व लिसाड़ी गेट की करीब 10 कॉलोनियों में बने साइट ऑफिस को गिरा दिया गया। हालांकि सरकार के नुमाइंदों की अवैध कॉलोनियों पर आज भी बुलडोजर नहीं पहुंचा। जोनल अधिकारी मनोज तिवारी ने कहा कि जिन अनाधिकृत कॉलोनियों के ध्वस्तीकरण के आदेश हैं उन पर ही बुलडोजर चलाया गया है, बाकी पर नहीं। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं firstbite.tv। आज MDA ने रेलवे लाइन के निकट ग्राम लिसाड़ी व फतेहल्लापुर रोड, दिल्ली रोड पर शास्त्री कॉलोनी के निकट, नोड नगर में सिखेड़ा रोड पर वृंदावन एनक्लेव कॉलोनी के पास कच्ची कॉलोनी, भोला रोड पर त्रिवेणी कॉलोनी ध्वस्त की गई। मवाना रोड पर मामेपुर रोड स्थित कच्ची कॉलोनियों के मालिकों ने बनाए साइट ऑफिस को जमींदोज कर दिया गया। गंभीर बात यह है कि इन कच्ची कॉलोनियों पर जरूर बुलडोजर चला, लेकिन जिन अभियंताओं की मिलीभगत से इनका निर्माण हुआ है उन्हें हर बार की तरह इस बार भी छोड़ दिया गया है। मामेपुर पहुंचे जोनल अधिकारी मनोज तिवारी ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। ये जहां हम लोग खड़े हैं आप देख रहे हैं जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है, ये लगभग 20,000 स्क्वायर मीटर में एक अवैध कॉलोनी जो प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराए विकसित की जा रही थी, जिसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए इस पर एक बात संस्थित किया गया और ध्वस्तीकरण आदेश पारित हुआ और उस ध्वस्तीकरण आदेश का क्रियान्वयन ये हो रहा है और ये मामेपुर में लगभग 20,000 स्क्वायर मीटर की अवैध कॉलोनी। सर, कितने इसका अगर अनुमान लगाया जाए कितने रुपए की ज़मीन होगी? अब वैसे तो ये विकसित हो जाएगी तो विकसित ज़मीन कहलाएगी, रॉ लैंड है तो उसकी लगभग तब भी 10 करोड़ की तो होगी। सर, ये किसकी है, किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? ये श्री संजय गुप्ता, मनोज मित्तल, सतीश भारद्वाज और यशपाल चौधरी, उनके स्वामित्वाधीन ये है जिनके विरुद्ध बिना स्वीकृत मानचित्र कराए विकास कार्य किए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की गई। इसकी इनकी इसी जोन में कई और कॉलोनियां हैं, उनके खिलाफ क्या होगा? भाई साहब, वो तो जब ध्वस्तीकरण आदेश जिसमें नियमानुसार पारित होगा वो रोस्टर वाइज सार में टूट रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार।